देवल परिवार से बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। सनी देवल के पापा धर्मेंद्र की अचानक बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, इसीलिए उन्हें अमेरिका इलाज के लिए ले जाया गया है। धर्मेंद्र की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनका इलाज भारत में संभव ही नहीं है, इसीलिए खुद सनी देवल अपने पापा को अमेरिका लेकर चले गए हैं। सनी देवल ने जैसे ही सुना कि उनके पापा धर्मेंद्र सीरियस हैं, वो तुरंत अपनी सारी शूटिंग कैंसिल कर धर्मेंद्र के बेहतर इलाज के लिए उनके साथ चले गए। अभी कुछ दिन पहले ही देवल परिवार में खुशियां लौटी ही थी। धर्मेंद्र के दोनों पत्नियों का परिवार एक हुआ ही था। गदर 2 की सफलता की खुशी देवल परिवार मना ही रहा था कि अचानक धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई। बेटे सनी देवल के साथ साथ पिता धर्मेंद्र भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिट रही, तो वहीं बेटे की फिल्म गदर 2 भी सुपरहिट रही थी। लेकिन देवल परिवार की खुशियों को लगता है किसी की नजर लग गई है। अचानक धर्मेंद्र का यूं तबीयत खराब हो जाना कि इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़े। पिता का ख्याल रखने के लिए सनी देवल ने अपनी सारी शूटिंग बंद कर दिया है और वो भी साथ में अमेरिका चले गए हैं। आपको बता दें, अमेरिका में सनी देवल की सगी बहन अजिता देवल भी रहती है। धर्मेंद्र 87 साल के हो गए हैं। धर्मेंद्र को कौन सी बीमारी हुई है इस बात का पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि धर्मेंद्र जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।